वाराणसी के साथ बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यहां पर होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक। यहां पर बीजेपी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राज्यों में सरकार की रणनीतियों पर भी चर्चा होनी है। इसी के साथ बैठक में राज्यों के कामकाज पर भी बातचीत होनी है। पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा की जाएगी। मोर्चा स्तर पर कमेटी गठित करने पर भी मुहर लग सकती है। तो आज बड़ी बैठक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की होने वाली है दिल्ली में। यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संतोष बैठक लेने वाले हैं। आज यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक। बीजेपी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। राज्यों में सरकार की रणनीतियां क्या है उन पर चर्चा। बैठक में राज्यों के कामकाज पर भी बातचीत। पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा। इसी के साथ मोर्चा स्तर पर कमेटी गठित करने पर भी मुहर लग सकती है। तो 24 का चुनाव देखिए बहुत जल्द करीब आता नजर आता और उसके बाद जो तस्वीर होगी चुनाव के बाद वो बात की बात। लेकिन उससे पहले चुनावों की तैयारियां बीजेपी पूरी तरीके से करती दिख रही है। बीजेपी शासित तो जो राज्य है वहां पर फोकस है। जहां पर कमजोर है वहां पर भी फोकस है। बूथों पर फोकस है। कमजोर बूथों पर फोकस किया जा रहा है। कमेटियां कार्यकर्ता नेता लोगों को कैसे जोड़ना है इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोर्चेबंदी में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अब 24 के लिए तैयार है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी प्लानिंग करती नजर आ रही है। यहाँ पर 24 के लिए यहाँ पर चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी की तैयारियां तेज होती चली जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है आज बड़ी बैठक कर रही है दिल्ली में। यहाँ पर बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी वहाँ पर आज मौजूद रहेंगे और चर्चा होगी राज्यों में किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है। और स्वाति हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति 24 की लड़ाई और मजबूत हो इसी को देखते हुए ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। ऐसे में कई मुद्दे कई अहम बातें जिन पर चर्चा हो सकती है। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको आज इस बैठक में शामिल किया जा रहा है? देखिए जब दोपहर 2 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू होगी तो उसमें चुनाव के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत कई राज्य जो हैं उस पर किस तरह से उन राज्यों में काम किया जाए उनकी रणनीति क्या होगी चूंकि चुनाव भी सामने है और ऐसे में ये तमाम मुद्दे होंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव मुख्य रूप से मुद्दा होगा। इसके साथ ही आगामी जो विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में चुनाव होना है ऐसे में उन राज्यों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। वहीं मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जो योजनाएं सरकार ने की है जनता के लिए उसे आने वाले दिनों में किस तरह से जनता तक पहुंचाना है ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी मुख्यालय में जब बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होगी तो चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और 12 बजे के करीब बताया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाएंगे और इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। वहीं 2 बजे जो बैठक शुरू होगी उसके बाद 5 बजे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उस बैठक में शामिल होंगे। यानी ये तय है कि जब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे तो 2024 आगामी विधानसभा के चुनाव और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में किस तरह से जो है मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक बताया जाए आगे की रणनीति उन राज्यों में क्या होगी सरकार किस तरह से वहां पर काम कर रही है ये तमाम मुद्दे होंगे जिसमें आज जो है वो दिल्ली में चर्चा होगी। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर साथिया चर्चा होने वाली है बीजेपी शासित राज्यों में अभी तक की जो कामकाज जो रणनीति रही है जो काम की रफ्तार रही है विकास की रफ्तार उन सब बातों को लेकर 24 में जाना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी इसमें स्वाति शामिल हो रहे हैं तो वो जब बैठक में होंगे तो उसको लेकर भी वहां पर उनकी उपस्थिति कैसी कैसे मायने रखती है वो किस तरीके से अपने अपने विभागों को लेकर यहाँ पर बात या अपने उत्तर प्रदेश को लेकर बात रख सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। ब्रिजेश पाठक चूंकि मेरठ जाना था वहां पर कार्यक्रम था तो वो मेरठ पहुंचे हुए थे फिर मेरठ से दिल्ली आएंगे और सीएम भी 12 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऐसे में वहां की सरकार किस तरह से काम कर रही है चूंकि दूसरा कार्यकाल है योगी सरकार का ऐसे में पिछले 5 सालों में
किस तरह से काम किया गया, अभी जो दूसरी बार सरकार बनी है उसके बाद किस तरह से काम किया जा रहा है, आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और 2024 पर जो सबसे ज्यादा फोकस जिस राज्य पर है वो है उत्तर प्रदेश। ऐसे में वहां की रणनीति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आने वाले दिनों के लिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए रणनीति तैयार की जाए, वहां की सरकार किस तरह से काम कर रही है, मोदी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए, जो योजनाएं जनता के लिए लाई गई, वहां किस तरह से उत्तर प्रदेश में जनता तक पहुंचाई गई है और आने वाले दिनों में किस तरह से पहुंचाई जाएगी, ये तमाम मुद्दे होंगे। चूंकि दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, तमाम तरह की बातें होंगी, चूंकि भाजपा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, तो तमाम राज्यों को लेकर आज चर्चा होना है और सबसे ज्यादा अहम फोकस जो है वो 2024 को लेकर होगा और विधानसभा चुनाव जो कई राज्यों में होना है, गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा होगी आज की बैठक में। तो 2 बजे जो बैठक बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी वो महत्वपूर्ण बैठक है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे तो अपने आप में कई अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा होगी। पहले भाजपा अध्यक्ष और बीएल संतोष वहां पर मौजूद रहेंगे, बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा तमाम तरह की चीजों को लेकर, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री शामिल होंगे तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ बैठक में अहम ठीक है। स्वाति आप नजर बना के रखिएगा आज की इस बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया।